शर्म, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? दिशा, अगर तुम्हें मिलती आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। इंस्पेक्टर, अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित, हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब, ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ, ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं, तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी, मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। अब ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। तुझे गाड़ी की पड़ी, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान स्टॉप लाफिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी, एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो, थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो सैनाट का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पे मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई, हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लौंडे के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे।
पंडित, पंडित उसे छोड़ दो, पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा, उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। आग में तेजाब डालता है, आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी। चल इधर। इस तरह मुझे मारने से आने वाला खतरा नहीं टल जाएगा हल्दी भाई। हमारे यहाँ लोंडियों की भरमारे जो पंडित की गर्मी संभाल लेंगी, वरना आज शिवा गया है तो कल हम भी जाएंगे। मेरी राय है इस लोंडे को खत्म कर दिया जाए। घर के दिए से कुनबे को फुकवाने का बंदोबस्त मत कर बेटे। उस लड़की की वजह से पंडित हमारे साथ है, इसलिए पंडित को अपना साथ रखना है तो उस लड़की को भी जिंदा रखना है। रही बात शिवा की, उसका तोड़ भी हल्दीराम के पास है। शिवा के अरेस्ट से हल्दीराम, पंडित वगैरह के बारे में हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तब हो सकता है जब शिवा उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे। डोंट वरी सर, स्पेशल टास्क फोर्स के इंटरोगेशन में वो सब कुछ बग देगा। वैसे शिवा है कहाँ? इस वक्त मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके रिमांड एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है। जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन है शिवा, तुम्हारे ऊपर गोली तुम्हारे गैंग के लोगों ने चलाई है। उनके खिलाफ स्टेटमेंट हो शिवा। इन हरामजादों का कोई दीन अमान नहीं है। हल्दीराम पंडित दे ऑल आर पास्ट। पंडित को गाली मत दो साहब। पंडित, पंडित के बारे में कुछ नहीं जानते आप। वो तो खुद ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम। पंडित, पंडित की कहानी जानना चाहते हैं आप? वो हरिद्वार में रहता था और बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया करता था। अरे छोड़ दो भाई, संजय भैया से पंगा लेगा तू, टेंडर भरेगा तू, टेंडर भरेगा, साले अर्थी निकलेगी तेरी, भाई साहब, तेरी। भाई साहब, आप लोग क्यों मार रहे हैं इन्हें? आपको कोई तकलीफ है? चलो जा जाओ, अपने घर जाओ। अगर संजय भैया को पता चल गया ना, तो इसके साथ साथ आप भी पिस जाएंगे। अर्जुन बेटे बचा लो इन्हें। अर्जुन बेटे बचा लो मुझे, बचा लो बेटा, बचा लो अर्जुन बेटे। तू अगर ऑफिस में साले टेंडर भरने गया। मारो नहीं। आ गए भैया? हाँ। अर्जुन आज देर कर दी। चाचा जी, रास्ते में मुझे जनार्दन, बिल्लू और शुक्ला मिल गए थे। संजय शर्मा के लोंडो के मुंह तो नहीं लगाना तू। तुझे पता है ना, आती पूरन मासी को तेरी बहन का ब्याह पक्का होने वाला है। घर में दो दो रिश्ते आकर पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते का फैसला होने के पहले ही तू कोई दूसरा बखेड़ा शुरू कर दे और हमें आत्महत्या करनी पड़े। क्या माँ, तुम बिना बात के भैया के मीन में एक निकालती रहती हो। भैया, आपने जो शिवा भैया के लिए चिट्ठी दी थी ना, वो मैंने पोस्ट कर दी है। वो मेरे बचपन का इकलौता दोस्त है, उसे तेरी शादी के लिए मुंबई से आना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप लोगों ने तो न्योता भेजना भी शुरू कर दिया। पहले इस बात का फैसला तो कर लो कि शिल्पा इन दोनों में से शादी करेगी किससे। चाचा जी, मेरे ख्याल से ये लड़का ठीक रहेगा। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा लड़का चुना है तूने शिल्पा के लिए। अरे, ये कोई लड़का है? मैंने तो सुना है ये शराबी है, कबाबी है, अय्याश है। हाँ,
ये लड़का बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ अच्छा लगेगा, इसके नैनक्स तो देखो, कद भी कहाँ इसका ठीक है, कैसी लगेगी ये जोड़ी? जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे क्या तेरी राय से शिल्पा की शादी पक्की करनी है? सुनो जी, मेरी शिल्पा की शादी इसी लड़के के साथ होगी। तो ठीक है, कल मैं जाकर रिश्ता पक्का कराता हूँ। हाँ, एक मिनट वहीं रुकिए। ओके दैट्स फाइन, थैंक यू। अब आप थोड़ा इधर हो जाइए, मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज थोड़ा इधर हो जाइए ना। आइए आइए आइए, प्लीज घबराइए मत। हाँ हाँ हाँ, अरे बस बस बस, अब आप हाथ हिलाइए ऐसे, अब स्माइल कीजिए, स्माइल के साथ हाथ हिलाइए। ओके दैट्स गुड, थैंक यू। हाय, आई एम निशा, मुंबई से आई हूँ। नमस्ते। आपका नाम? अर्जुन दीक्षित। नाइस नेम। बाय द वे सुनिए मिस्टर दीक्षित, वन मिनट, मुझे यूनिवर्सिटी तक जाना है, यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। मुझे यहाँ से कोई बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल सकता है? टैक्सी ऑटो रिक्शा तो नहीं मिल सकते क्योंकि ये जगह शहर से थोड़ी दूर है। हाँ, हर 2 घंटे बाद यहाँ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस जाती है। 2 घंटे के बाद? वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ओह वंडरफुल, फिर तो आप मुझे वहाँ तक जरूर लिफ्ट दे सकते हैं। हाँ नहीं, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता, आप बस से ही जाइए। देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, तो ऐसा करते ना, साथ में ही चलते, इसमें क्या बात हुई। अब चलिए। देखिए मैं आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ दूंगा, पीछे। ओह व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। यू नो आज आपने मुझे लिफ्ट देकर एक बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। प्लीज हाथ हटा लीजिए। ओह सॉरी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एनीवेज 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल साहब के साथ। अब पहले दिन ही लेट हो जाते तो क्या सोचते वो मेरे बारे में, इंप्रेशन ही गलत पड़ जाता। आजकल कहाँ रहता है यार, नजर नहीं आता तू। अरे ये अपने योगीराज तो पूरा भोगीराज बन गया यार, अपने से तो यही अच्छा है। अभी आइए मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस ले चलता हूं पढ़ाने। अगर ये स्टूडेंट है तो हम भी इनके साथ क्लास फेलो बनेंगे, जरूर बनेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, बदतमीज? नहीं निशा जी, आप इनके मुंह मत लगिए, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। कौन है ये लड़के? संजय शर्मा के लड़के हैं। संजय शर्मा? यहाँ की MLA रोहिणी देवी का इकलौता बेटा है, बदचलन आवारा गुंडा है, यहाँ की पुलिस भी उससे भय खाती है। मेरा बस चले तो। निशा जी आप ठीक है ना? कमाल करते हैं, बैंबू सब आप पे गिर गए, ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, आप ठीक है ना? अरे दीक्षित जी क्या हुआ भाई, किसी को चोट तो नहीं लगी? प्रिंसिपल साहब यहाँ सब कुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ओह ये आपसे मिलने आई है आप? मैं निशा हूँ, मुंबई से आई हूँ। मैंने आपको फैक्स भेजा था कि मैं योग पे रिसर्च करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा भाई, वो फैक्स तो मुझे मिल गया था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के योग के आचार्य प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हाँ? और हाँ, आपके रिसर्च में यही आपकी मदद करेंगे। ओह ग्रेट, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी से शुरू कर दे। जी नहीं, क्लास का समय हो गया है, विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, मैं चलता हूँ। सर तो शाम को मिले? संध्या के समय मुझे गंगा जी की आरती के लिए जाना होता है। ओह सुबह मिलते हैं। ओके आइए निशा जी ऑफिस। हाँ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था सर्किट हाउस में कर दी है, आपके रिसर्च वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अर्जुन दीक्षित जी बहुत ही गुणी आदमी। यस सर, यस सर।